राजपूत, सुरेंद्र जी, ये जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई जिस तरफ मन किया उस तरफ हांक दिया, ये तो पॉलिटिक्स में हमेशा हुआ है और बड़ा स्वाभाविक। अब तो न्यू नॉर्मल भी नहीं कहने का स्कोप बचा है, ये तो ओल्ड नॉर्मल है। गरिमा जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। मैं आपसे और सुकेश भाई से अपेक्षा करूंगा कि अपराध को लेकर के सारी पार्टियों को कटघरे में नहीं, अपराध को खटघरे में खड़ा कीजिए, और वर्तमान के अपराध को लेकर के आप पुराने अपराध हुए हैं, पुरानी कमियां हुई हैं, पुरानी गलतियां हुई हैं, उससे वर्तमान के अपराध को ढकने की कोशिश कतई नहीं करनी चाहिए। पुराने अपराध को शिखंडी बना करके उसके पीछे नहीं छुपा जाना चाहिए। अगर पुरानी कमियां हुई तो जनता ने उनको, उन पार्टियों को सत्ता से बाहर किया, और वर्तमान की सरकार में जिस तरीके से बात हो रही है ना, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहता, कहते ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। मैं आपको बताता हूँ दो तीन बातें बड़ी। जब मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे थे ना कि वो पवन यादव है, वो अरबाज है, ये लखनऊ शर्मिंदा हो रहा था, और मैं आज आपके सामने सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं कि ये लखनऊ में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, ये लखनऊ में हुआ, ये लखनऊ के ऊपर एक हमेशा के लिए धब्बा लग गया, हमेशा के लिए धब्बा लग गया। जब भी ये बात कही जाएगी तब इस घटना का जिक्र आएगा, और इसमें हिंदू लड़के थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, वो जितने भी थे सब अपराधी थे, और सब ने लखनऊ को बर्बाद किया है, बदनाम किया है, उनके उनकी सजा की भरपाई नहीं हो सकती। एक बात तो बहुत साफ जान लीजिए। अब आप आ जाइए पवन यादव की जात देखने वाले और अरबाज की जात देखने वाले, वो ये अमन गुप्ता की भी जात देख लें, ये भाजपा का मंडल अध्यक्ष बताया जाता है। अगर आप कहें तो इसकी मैं तमाम नेताओं के साथ फोटो, मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम नेताओं के साथ इसकी फोटो, वो इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि फोटो है तो किसी के भी साथ खींच जाती। ये राकेश त्रिपाठी जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, ये लीजिए बुलेट ट्रेन भी चलाई है इसके ऊपर, सद्भावना एक्सप्रेस भी चलाई है, अमन गुप्ता नाम है इसका, पांचवें नंबर पर है, आप ही का है, अब कहूं मैं आपका है, ये सारी फेरिस्त दिखाई सुरेंद्र राजपूत, मैंने सारी फेरिस्त दिखाई, 16 के 16 नाम पढ़े, अभी 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 नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं ये भाजपा ही है, ये लीजिए ना, देखिए इसको, और कहिए मुख्यमंत्री से बुलेट ट्रेन चलाए, कहिए राकेश त्रिपाठी से गोली मारे, क्या बात करते हैं ये लोग। ये रही, ये है आपके सामने, आप देख लो इसको, अमन गुप्ता नाम है, और आप कहिए तो ये लीजिए, मैं बाकी भी दिखा देता हूं, ये लीजिए कट्टर हिंदू अमन गुप्ता, ये है, ये रहा। मैं दिखाना नहीं चाहता नेताओं के साथ तस्वीरें, इसलिए कि नेताओं के साथ सबकी तस्वीरें आ जाती हैं, और भी तस्वीरें हैं नेताओं के साथ, मसला ये नहीं है, मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव हारी है गरिमा जी, तब से हिंदू मुसलमान, मेरे प्रदेश ने गलती क्या करी, गलती यह करी है कि भाजपा को चुन लिया, गलती यह करी है जाकर के कि यहां पर भाजपा को 240 में ले आए, तभी निशिकांत दुबे कह रहा है कि साहब मैं जो कम्युनिटी सेंटर है उसी जगह पर दूंगा जहां मुझे वोट मिले। ये झारखंड का सांसद है, राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए इसके ऊपर। तो सुरेंद्र राजपूत, ये अपने वोट बैंक को अधिकारी कंसोलिडेट करने की कोशिश है ना, ये वोट बैंक क्या होता है जी, वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश है बकौल कांग्रेस। गरिमा जी, ये वोट बैंक क्या होता है, हमको दे दिया 20% मुसलमान और इनको दे दिया 80% हिंदू, हम बुड़बक हैं, कोई वोट बैंक होता है, फालतू की बात करते हैं लोग। तो फिर ये मैनिफेस्टो में जो आदमी वोट बैंक की बात करता है गोली मार देनी चाहिए। अगर 80 और 20 की कोई तुलना नहीं है तो सुरेंद्र राजपूत ये अपने मैनिफेस्टो में फिर क्यों नहीं समझ पाते आप? आपके मैनिफेस्टो की लाइन है, वी विल इंश्योर स्कॉलरशिप फॉर द मुस्लिम स्टूडेंट टू स्टडी अब्रॉड, व्हाई मुस्लिम स्टूडेंट ओनली? तो उसमें बुरा क्या है? नहीं, बाकी छात्रों ने क्या बिगाड़ा सुरेंद्र राजपूत? जितने भी पुअर्स हैं भाई, व्हाई मुस्लिम ओनली? छात्रों को, अरे गरिमा जी, पहले सवाल, अगर सवाल किया करो तो जवाब भी ले लिया करो। मैं कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन की तरीके से नहीं बोल रहा हूं, मुझे लखनऊ में दुख है इस वक्त, मेरा खून जल रहा है। सुनिए, अगर जिन छात्रों को नहीं मिल, जिनको पहले से मिल रहा है उनको मिल रहा है, जिन छात्रों को नहीं मिल रहा है उनको देने की बात है।
अगर डिप्राइव्ड वर्ग को देने की बात है, गरीब को, अल्पसंख्यक को, मुस्लिम को, जैन को, सिख को, ईसाई को या दलित को, आपको दिक्कत क्या है? किसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हाँ। आप हमको बताओ, जिसको ये आप ये अगर मिल रहा हो, अगर ठाकुर के बच्चे, अब सुनिए भाई, सच्चर कमेटी ने तय की जो सिफारिशें सच्चर कमेटी ने रखी, मुसलमानों की स्थिति की सिफारिशें लागू तो हुई नहीं आज तक, तो किस आधार पे ये तय हुआ कि भाई मुस्लिम डिप्राइव्ड है इस देश में? मैं बताता वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही है ना वो भी। अगर आपको सुनो गरिमा जी, अगर आपको मुझसे बहस में जीतना है तो बहस में जीत जाओ, मैं पहले हार जाता हूँ। आप हमारे घर की लड़की हो, हमारे यहाँ की हो, हम पहले हार जाते हैं। मुझे डिबेट नहीं करनी, आप असलियत समझो। कोई आदमी नहीं कहता इस देश में, हमेशा कहा जाता है कि गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, बच्चों को, महिलाओं को, पीड़ितों को, शोषितों को, नल को, नील को, कोल को, भील को, सबको हम प्राथमिकता देंगे। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, क्योंकि इन्हें हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करनी, कहें हिंदू हमारा मुसलमान तुम्हारा। आप हमको बताओ ना, क्योंकि हिंदू हमारा मुसलमान तुम्हारा, ये कोई तरीका होता है? आप ये बताओ ना कि ये जो बात कह रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा, इसको नहीं सजा मिलनी चाहिए? आप बताओ ना, शुभेंदु अधिकारी को नहीं मिलनी चाहिए? यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत